दोस्तों, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिसका फैंस हर एक मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। वहीं अब किसी का भाई किसी की जान के बाद सलमान खान की टाइगर मूवी आने वाली है जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसे में अब सलमान खान एक और मेगा बजट एक्शन मूवी को लेकर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मूवी का नाम होने वाला है शेर खान, जिसको सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान बनाना चाहते हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि ये मूवी सोहेल खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस मूवी को सोहेल खान साल 2012 से बनाने वाले थे और ये मूवी बाहुबली की तरह एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। मूवी का नाम रखा गया है शेर खान। और इतना ही नहीं, ये मूवी सलमान खान और बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में सलमान खान एकदम खतरनाक और यूनिक अवतार में नजर आने वाले हैं। साथ ही मूवी में एक्शन के साथ साथ खतरनाक VFX भी देखने को मिलने वाले हैं और वहीं मूवी की स्टोरी भी जंगल एडवेंचर पर बेस होने वाली है, इसीलिए मूवी का बजट काफी बड़ा होने वाला है। वहीं मूवी के डायरेक्टर सोहेल खान ने मूवी को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने बताया कि वो अब मूवी की स्क्रिप्ट पर दोबारा काम करना शुरू कर रहे हैं और बहुत ही जल्द मूवी का शूट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोहेल खान इस मूवी को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन मूवी बनाना चाहते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोहेल खान इस मूवी की स्क्रिप्ट पर 11 साल से काम कर रहे हैं। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि टाइगर 3 के बाद सलमान खान शेर खान मूवी की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे और अगर सब कुछ सही रहता है तो ये मूवी हमें अगले साल ईद के मौके पर देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें मूवी की कास्टिंग को लेकर तो मूवी में सलमान खान के साथ एंजेला जॉनसन और कॉमेडी किंग कपिल शर्मा भी नजर आने वाले हैं। वहीं मूवी के विलन की बात करें तो संजय दत्त मूवी विलन के रोल में नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब सलमान खान की एक और मच अवेटेड मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।